नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड किताब है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का हम लोग चेक प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का। ठीक है, और आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका स्टार्ट होने जा रहा है यहाँ से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और उसका हम लोग जो है टॉपिक नंबर 1 पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसका जो भी क्वेश्चन होगा, इसमें लगभग 133 क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है 2 से 3 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन, और जो भी आपका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन, उसी को डील करेंगे, वही ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये आपका रिविजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4। कुछ आपका है सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। तो पहला आपका नल्ला मल्ला हिल्स नॉर्थ में, उसके बाद सेकंड में आपका जाएगा पलकोंडा हिल्स, उसके बाद थर्ड में आपका आ जाएगा जवारी हिल्स, और फोर्थ आपका हो जाएगा सेवरॉय हिल्स। तो नल्ला मल्ला हिल्स, पलकोंडा हिल्स, जवारी हिल्स और सेवरॉय हिल्स। कुछ समझ रही है, द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया हिल्स। तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्डामम। कुछ आपका पूरे विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। तो 4 करेक्ट ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। कुछ नंबर 5 है, पार्क स्टेट इज लोकेटेड विद। तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड श्रीलंका। कुछ आपका 6 है, द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 ओनली। तो पहला और दूसरा आपका सही है, चाइना एंड वियतनाम। ठीक है, कुछ आपका 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। तो 7 करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जोरहट। कुछ आपका 8 है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड। तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। कुछ नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द हिमालयस। कुछ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन द धौलाधर एंड पीर पंजाल। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 भंगाल वैली। कुछ आपका 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन मिले भूदान हिल्स। कुछ आपका 12 है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद हमारी कंट्रीज। तो आपका 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 कंट्रीज। कुछ आपका 13 है, इंडिया इज द 10 लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एसी साइज। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन मिले 7th। कुछ 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया करेक्ट। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो आपका जो है पहला दूसरा सही है। तो इट इज ए नैरो बेल्ट और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। 15 है, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट। तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर। कुछ में 16 है, द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज। तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पूर्वांचल माउंटेन रेंज। कुछ 17 है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ। तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर। कुछ 18 है, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड ऑफ। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अलुवियल सॉइल। कुछ 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पियर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। 20 है, शेनरम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी खासी। क्वेश्चन आपका 21 है, बियॉन्ड द डैश द हिमालय एस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिहांग गोर गॉर्ज। 22 चाइना डैश नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच वन इन स्टेट। तो 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन मेरे बिहार। कुछ 23 है, द पार्ट ऑफ द हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर नोन एज। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हिमालय आसाम हिमालय। कुछ 24 द आईएसटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पासेस थ्रू ए नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ स्टेट इज करेक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो 24 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। 25 है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्ट लैंड इन इंडिया। तो 25 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी सेडल पीक।
27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ एडीआई नॉट ए लैंड लॉक कंट्री, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन में बी म्यांमार। क्वेश्चन 28 है, इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद व्हिच कंट्री, तो 28 का राइट ऑप्शन में डी पाकिस्तान। 29 है, इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय, तो ऑप्शन नंबर इसका सही है ए पाक स्टेट। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन आपका 31 है, इफ ए शिप हैज टू गो फ्रॉम चेन्नई टू कोची इट हैज टू गो अराउंड श्रीलंका रादर देन क्रॉसिंग थ्रू द पाक स्टेट वाई, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इट इज टू सैलो फॉर शिप टू क्रॉस, ठीक है। क्वेश्चन 30 आपका जो है 32 है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन आपका जो है 33 है, विच यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट बट वन ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट हैज अ कॉमन बाउंड्री विद इट्स अदर डिस्ट्रिक्ट, तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पांडिचेरी। क्वेश्चन आपका 34 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, तो 34 का राइट ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट। 35 है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रक यूल, तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर सी भूटान। 36 है, हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन, तो 36 का राइट ऑप्शन नंबर डी फोल्ड माउंटेन। क्वेश्चन 37 है, द गुरुद्वारा पंजा साहिब इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पाकिस्तान। 38 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक्स दस डक्कन प्लेटी ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स फॉल, तो 38 का राइट ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लूसिव आइगेनियस रॉक। क्वेश्चन आपका 39 है, इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग, तो 40 का राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बी चाइना। क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, तो 41 का राइट ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन, तो 42 का राइट ऑप्शन सी इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन 43 है, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2 इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्वाडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन 44 है, सनराइज इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मेनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन आपका 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोरल आइलैंड, तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप। क्वेश्चन 47 है, कंसीडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो 47 का राइट ऑप्शन नंबर 3 और 4 आपका जो है आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड among the state given above the largest above are the largest and smallest respectively in terms of geographical area, to Andhra Pradesh and Uttarakhand the state given above are the largest and the smallest respectively in terms of geographical area. 48 has southern most point of the peninsular plateau is marked by which of the following is, the 48 correct answer is option number C Nilgiri. Question 49 is the mountain range lying between India and Myanmar, the 49 correct option number A Lusai. 50 है, रोहिला खंड विजन लाई से, तो 50 का राइट ऑप्शन सी नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। 51 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो 51 का राइट ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कुछ आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन नोज एक्ट विशाखापट्टनम इज है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। कुछ 53 है, डैश इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, तो आपका 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बैरन आइलैंड। क्वेश्चन 54 है, सिक्किम बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया, तो 54 का राइट ऑप्शन बी 1975। 55 है, द छोटा नागपुर प्लेटू प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो 55 का राइट ऑप्शन सी आर्कैडियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस सी, तो छोटा नागपुर प्लेटू प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ आर्कैडियन रॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस सी। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी सेलहर। 57 है, विच इज द बेस्ट प्लांट सिटी इन इंडिया, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। क्वेश्चन 58 है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजर टू दैट ऑफ दिल्ली, तो आपका 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द एवर प्लेसेस इन टर्म्स ऑफ सनराइज टाइम, तो आपका सबसे पहला जो सनराइज होगा कहाँ पर होगा, तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3214।
सबसे पहले आपका आगरा चलना, ठीक है, उसके बाद आपका जो है इम्फाल, त्रिपुरा, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल, ठीक है, उसके बाद ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, और मिजोरम लास्ट में आजवाल, ठीक है। तो ये आपका त्रिपुरा का कैपिटल, ये आपका मणिपुर का, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये आपका मिजोरम का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 60, नेम द प्लेस इन इंडिया वियर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, क्वेश्चन नंबर 61 है मेजर कोरल रीफ्स एरियाज ऑफ इंडिया। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 ओनली, तो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड लक्षद्वीप आपका, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 है वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मॉनसून। तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर डी कोल्ड डेजर्ट लाइन द रेन शैडो ऑफ द हिमालय। क्वेश्चन नंबर 63 है हुंडरू फॉल्स इज फाउंड इन। तो 63 का राइट ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर प्लेटू। क्वेश्चन 64 है द सह्याद्री आर पॉपुलरली नोन एज। तो 64 का ऑप्शन नंबर राइट है बी वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 65 है स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन 66 है इंडियन आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 204। क्वेश्चन 67 है सिवा समुद्र फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी। 68 है द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना इज सराउंडेड बाय। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोर स्टेट। 69 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑल थ्रू द ईयर। तो आपका जो है 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे आपका इसका पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर पहला था और कल हम इसका पार्ट नंबर दो पढ़ेंगे जो कि आपका 70 से लेकर 133 क्वेश्चन तक होगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।